Hello everyone, once again, welcome back to Banker's Nest. I'm Garima. So my husband was yesterday, using this app, and जब मैंने ऐप देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आपके कितना हेल्पफुल हो सकता है टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. कई बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है जो आपको करेक्ट कर सके. आप कुछ बोल रहे हैं बट आपको नहीं पता कि वो सही बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं. तो कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका वो करेक्ट कर सके, और सबके पास वो इन पर्सन कोई नहीं होता है. सो सबको कुछ एक चाहिए होता है सपोर्ट, जिसकी हेल्प ले सके वो. दिस ऐप इज़ जस्ट फॉर यू गाइज. तो ये ऐप इस काम में आपकी मदद करेगा. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी ऐप. नाउ ये ऐप बहुत न्यूज़ में रहा है, आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगा इस ऐप के बारे में. तो आप भी इस वीडियो से कुछ गेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो जिनको नहीं बताया है चैट जीपीटी के बारे में, उनको मैं एक बस ओवरव्यू दे देती हूँ. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँ अगर, तो ये एक काइंड ऑफ टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप अपनी क्वेरी डालेंगे और वो आपको एक नेचुरल लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा. तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो सकता होता है, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग इन टू दोज टेक्निकलिटीज़. तो आप बस ये समझ लीजिए, आप कुछ भी पूछते हैं तो वो रिप्लाई बैक करता है. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कौन कौन से वेज हैं जिनसे आप इसको यूज कर सके अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपना सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं. यानी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस यूज़ करना है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, यू हैव टू सिंपली टाइप एंड आस्क इट. सो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ. करेक्ट दी सेंटेंस, आई हैव फन इन वाटर पार्क येस्टरडे. लेट्स सी व्हाट्स द रिप्लाई ऑफ दिस चैट जीपीटी. आई हैव टू सबमिट एंड इट सेज आई हैड फन एट द वाटर पार्क येस्टरडे एंड इट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट. तो अगर आप बोल रहे हैं, अगर कोई स्पीच भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो एक पैराग्राफ और उसको बोल सकते हो कि आप प्लीज़ करेक्ट द पैराग्राफ या करेक्ट द सेंटेंस, एंड दैट वुड गिव यू अ गुड आंसर एंड द करेक्ट वन. तो पहला एडवांटेज ये है. दूसरा एडवांटेज देखते हैं. दूसरा है, देखिए, अगर आपको इम्प्रूव करना है सेंटेंस, या फिर मान लीजिए ब्यूटिफाई करना है सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सिंपल सेंटेंस में बोलती हूँ, आई एम टू टायर्ड, आई शेल नॉट गो. ठीक है, अब इसको मोर प्रोफेशनल वे में या एक बहुत ही अच्छे वे में कैसे कह सकते हैं, लेट्स सी. सो इट शैल से आई एम टू टायर्ड टू गो. ठीक है, तो एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं ये कहती हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पिकनिक. सो इट सेज आई एम एब्सोल्यूटली थ्रिल्ड अबाउट गोइंग ऑन अ पिकनिक. सो दैट्स द वे यू कैन ब्यूटिफाई और इम्प्रूव द सेंटेंस. आपको लग रहा होगा इसी सिंपल सेंटेंस को इसने कितने अच्छे ब्यूटिफुली कहा है, कितनी प्रोफेशनल वे में कहा है. ठीक है, तो सेकंड आपका जो एडवांटेज है वो ये है गाइस. देखते हैं थर्ड एडवांटेज क्या है. सो इससे आपकी हेल्प से आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी सीख सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क सिनोनिम्स फॉर फास्ट, लेट्स सी. सो ऑल दीज सिनोनिम्स इट हैज टोल्ड, एंड सिनोनिम्स की जगह आप यहाँ पे एंटोनिम्स भी कह सकते हैं. सो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आप ऑफकोर्स गूगल क्रोम पे भी ये एडवांटेज है, अदरवाइज चैट जीपीटी पे भी आप ये कर सकते हैं. इसके अलावा जो फोर्थ एडवांटेज है फ्रेंड्स, ये आप वो कैप्स भी सीख सकते हैं इससे. अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिखती हूँ, प्लीज प्रोवाइड टफ वो कैप्स टू लर्न. सो आप देख रहे हैं कितने सारे वो कैबलरीज ये दे रहा है. सो आपने देखना कितने सारे वे में आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं. ऑफकोर्स इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, आपको धीरे धीरे उस पर वर्क करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट देर इज समवन जो आपकी करेक्ट कर सकता है इंग्लिश, जो सुनता है आपको. ठीक है, सो दिस इज वन ऐप. इसके अलावा भी बहुत सारे AI ऐप्स और भी सारे हैं, तो उस को भी आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको मिल जाएंगे, उसके भी आप हेल्प ले सकते हैं. ऑल्सो चैट जीपीटी कैसे इंस्टॉल करना है ऑन द पीसी या फिर आपके मोबाइल पे, वो आप देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस उसके मिल जाएंगे. मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे हैं जो इन डेप्थ चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए वो बताएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में. मैंने बस यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना जाए. और हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना टाइम लिमिट रखिएगा चैट जीपीटी पे. ये नहीं कि एक बार इंटरेस्ट जग गया तो आप करते जा रहे हैं एंड टाइम इसी में जाता जा रहा है, एंड बाकी आप कुछ सिलेबस नहीं देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. सो इसके लिए एक टाइम एलोकेटेड कर लीजिए आप 15-20 मिनट्स, और बस उतने टाइम ही आप ये यूज़ करके डेली बेसिस पे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए. ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट चैट जीपीटी इन दिस वीडियो. एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज हु हैव यट नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. फिर मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.